Hello all, welcome to Alisha Academy. I am your educator Shreya Jha, and today we are going to start with previous year questions starting from June 2019. So this is the first video lecture in that series. हालांकि हायर एजुकेशन में जो है कुछ टॉपिक्स और ऐड करने हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि डेली हम इस सीरीज में हायर एजुकेशन में एक एक वीडियोस आपको मिलती रहे. डेली बेसिस पे आप अब तक हमने हमारे चैनल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. जून 2019 का जो ये क्वेश्चंस हैं वो और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज अपडेटेड सिलेबस के बाद पहली बार है जो जिसमें जून 2019 का एग्ज़ाम हुआ है. तो आपकी जो है विशेष डिमांड सीरीज में ने स्टार्ट किया है. दिसंबर 2019 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये जो सिलेबस था वो लगभग 10 साल के बाद जो है अपडेट हुआ है. तो काफ़ी सारे बदलाव आए हैं क्वेश्चन पैटर्न में सिलेबस में जिसकी जो है हम डिटेल चर्चा करते रहेंगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में. आपको देखते रहें तो आपको समझ में आते रहेगा कि पहले का क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं और हम बैकवर्ड जाकर डिस्कस करने वाले हैं. जून 2019 डिस्कस करेंगे, इसके बाद बैक जाकर के डिस्कस करते रहेंगे. डिटेल डिस्कशन आपके साथ मैं उस क्वेश्चंस पे भी करूँगी जिन पे जो है जहाँ पे एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है. तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मुझे और ऐसे औसम वीडियोज़ ऐड करने की मोटिवेशन मिलती रहे. स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जून 2019 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. सो कन्वेंशनल एजुकेशन के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? बुक्स है, लर्निंग फ्रॉम बुक्स, लर्निंग फ्रॉम टीचर, लर्निंग फ्रॉम थिंकिंग या फिर लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. तो हालांकि ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है बट कन्वेंशनल सिस्टम और नॉन कन्वेंशनल का जो है मीनिंग है हम एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं. हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है इस सीरीज़ का भी जिसमें मैं ये सारे वीडियोस ऐड किया है. मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड लेक्चर कन्वेंशनल एजुकेशन पे डिस्कशन हमारी हो चुकी है और दूसरा लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन. कन्वेंशनल एजुकेशन की बात करें तो हमने देखा था कि जो सदियों से चलता रहा है, बरसों से चलता रहा है, तो चाहे हमारी डॉक्टर की डिग्री हो गई, सीए हो गया, लॉ की डिग्री हो गई, ये सब जो है हमारी पारंपरिक शिक्षा का ये जरिया है. और नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ये हमारी सोसाइटी को आज की नीड को ध्यान में रख के जो है ये सारी एजुकेशन जो है न्यूली डेवलप हुए हैं. सो बी इट एथिकल हैकिंग की बात कर ले आप, टीम मैनेजमेंट की बात कर ले, म्यूजियोलॉजी की बात कर ले. अब तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद वो चैप्टर भी आप ज़रूर देखें और इनफैक्ट इस सीरीज के सारे चैप्टर्स देखें. मैंने प्लेलिस्ट का ही जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लिया है और सारे चैप्टर्स के में जो पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं वही हमने इंक्लूड किया है. क्वेश्चन पे वापस आते हैं. जो द फॉलोइंग फॉर्म्स अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द कन्वेंशनल, यहाँ पे पारंपरिक शिक्षा का जो है कौन सा जो है ज़रूरी कंपोनेंट है. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर है. बुक की यदि बात करें तो बुक भी इम्पॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन अगर एकदम एंशियंट इंडिया में जाके हम बात करते हैं तो जैसे वेदास को श्रुति बोलते थे, वहाँ पे पीढ़ियों से जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ट्रांसफ़र होता आया विदाउट एनी बुक्स. पेपर भी नहीं था उस ज़माने में और बुक्स भी नहीं थे, पत्ते भी उस पत्तों से भी आने से पहले की बात कर रही हूँ, मुख से जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लोग पढ़ते थे. थिंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन थिंकिंग में भी थिंकिंग को जो गाइड करने वाला होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीचर इम्पॉर्टेंट है. तो जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करें कि क्या चीज़ हो सकता है या क्या चीज़ नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता है तो उसको एलिमिनेट करते चले और सबसे मोस्ट रेलिवेंट जो ऑप्शन लगे आप उसको ही कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया हैज़ गिवन स्पेशल इम्फोसिस ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर. फाइव ईयर प्लानिंग की यदि बात करें तो जो एजुकेशन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो है फाइव ईयर प्लान्स बनते रहे और बाद में इसको जो है हमारे थिंक टैंक नीति आयोग ने जो है इस फाइव ईयर प्लान्स को रिप्लेस कर दिया गया. फाइव ईयर प्लान में हालांकि कुछ एक दो अटेम्प्ट से क्वेश्चंस नहीं आए थे लेकिन वापस से इस जून 2019 में पूछा है. तो अगर आपको चाहिए कि इस फाइव ईयर प्लान्स पे हम सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कशन करें तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, कोशिश करेंगे हम ये सारे प्लान्स कवर करने को. फिलहाल इस क्वेश्चन से देखते हैं. Which of the following plan, five-year plans, has given special emphasis on education and manpower? Education और manpower दो चीज़ें समझते हैं, दोनों को
कैसे इम्पोर्टेंस दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फोर्थ फाइव ईयर प्लान। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में हम एजुकेशन और मैन पावर दोनों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम एजुकेशन की चर्चा करें तो फोर्थ फाइव ईयर प्लान का जो पीरियड था वो आप देखेंगे, फोर्थ फाइव ईयर प्लान है 1969 से लेकर के 74 तक फोर्थ फाइव ईयर प्लान आया था। इसमें एजुकेशन के टर्म्स से बात करें तो 1964-66 में जो 64 में कोठारी कमीशन आया था और 66 में जो है इसके रिपोर्ट सबमिट की गई। तो 1966 में कोठारी कमीशन आया था। उसके अलावा बात करें तो एनपीई की बात करेंगे तो पहली जो है यहाँ आप देखेंगे कोठारी कमीशन को एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको भी याद रखिए 1964-66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन जिसकी हम आगे इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस कोठारी कमीशन पे आए हैं और भी डिटेल में थोड़ा देखेंगे। बाकी अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है कि इसके क्या प्रोविजंस थे और ये क्यों फेलियर रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, इसके पहले कौन सी कमीशन थी, इसके बाद कौन सी कमीशन थी, तो ये सारी चर्चा जो है इस वाले वीडियो लेक्चर में है, आप देख सकते हैं इसी सीरीज के। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो फोर्थ फाइव ईयर से दौरान से पहले आई थी। हालांकि 66 से 69 जो है वो एक प्लान हॉलीडे था और प्लान हॉलीडे के दौरान ही ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1968 इंदिरा गांधी की सरकार में पहली बार नेशनल लेवल की पॉलिसी आई थी। तो इसका असर जो है आपको डेफिनेटली फोर्थ फाइव ईयर प्लान में देखने को मिला। सेकेंड बात करें एजुकेशन बिट की, हमने बात कर ली क्वेश्चन में जो पूछा था कि स्पेशल एम्फेसिस एजुकेशन और मैन पावर में, तो एजुकेशन का ये हिस्ट्री हमने देख लिया एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट था फोर्थ फाइव ईयर प्लान के लिए। और इससे पहले जो है 3 साल का प्लान हॉलीडे था। तो बात करते हैं फोर्थ फाइव ईयर प्लान में मैन पावर का क्या रोल रहा। तो देखते हैं कि इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम हैज नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही डिसीजन था। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए थे जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। उसके अलावा एक अनफॉर्चुनेट वी हैड टू गो अंडरगो अ वॉर विथ पाकिस्तान दैट वाज 1971। अनदर वाज अ पोखरण, हिस्टोरिक पोखरण, फर्स्ट पोखरण टेस्ट इन 1974। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स। पोखरण टेस्ट पे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। पोखरण टेस्ट जो था, पहली बार जब हमारे कंट्री ने पोखरण टेस्ट किया था तो इसके बाद जो है भारत पे कई सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो है बैन जो है लगा दिए गए थे इस टेस्ट के बारे में। और भी काफ़ी सारी मुश्किलें और भी थी देश के अंदर की भी अगर बात करें तो, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके अलावा जो है अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी जिसको कहते हैं, और पूरी जो इकोनॉमिक है, पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो चरमरा रही थी, टैकलिंग इकोनॉमी कह सकते हैं आप। तो दीज वर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ फोर्थ फाइव ईयर प्लान। क्वेश्चन में जो है फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अलावा थर्ड फाइव ईयर प्लान है, सेकेंड फाइव ईयर प्लान है, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है। तो यहाँ पे आपका काम ये बन जाता है कि या तो इन सारे फाइव ईयर प्लान पे आप डिटेल चर्चा करें, और अगर आपको लगता है कि इस पे आपको सेपरेट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इस पर भी हम वीडियो लेकर आए, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम सेपरेट एक पूरी सीरीज ला देंगे ऑल फाइव ईयर प्लान्स को, बिकॉज अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फोर्थ फाइव ईयर प्लान से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको थर्ड फाइव ईयर प्लान या फिर सेकेंड फाइव ईयर प्लान, सेकेंड फाइव ईयर प्लान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर फिफ्थ फाइव ईयर प्लान किसी से भी है जो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन इंडिया टू डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड साउथ। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, पहली बात हो रही है कैपेसिटी बिल्डिंग की और दूसरी रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है नॉट ओनली इंडिया, साउथ एशिया में भी। तो ये पहला जो, ये जो प्रीमियर सबसे जो उच्चतम जो संस्था है इंडिया में वो कौन सी है, इसका आंसर है AIU। AIU पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ये उसका लोगो है। डायरेक्टली साइट से ये जो डेटा हमने लिया है, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी, सारे जो है मुख्य यूनिवर्सिटीज़ का जो है ये एक संघ है। सारे मुख्य यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ है उसका ये गठन है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में बेस्ड है। व्हाट इट डज, इट इवैल्यूएट्स द कोर्स सिलेबस स्टैंडर्ड्स एंड क्रेडिट्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो जैसे आप
कोई भी डिग्री फॉरेन में परस्यू करते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं, उसको ये इक्वेट करता है इन रिलेशन टू द वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज. सो क्रेडिट इक्वेशन में AIU जो है बहुत ही की रोल प्ले करता है. ये कुछ बातें हो गई AIU की. AIU के अलावा जो है आपको सार्क यूनिवर्सिटी भी पता होनी चाहिए, न्यूपा भी पता होना चाहिए, नालंदा यूनिवर्सिटी भी पता होना चाहिए. तो ये सब आप जो है खुद से गूगल कर करके जो है इनके डिटेल्स निकालें. साथ ही साथ हम भी कोशिश करेंगे, आप जितनी मदद हमसे हो पाए उतना हम भी ऐड करते रहेंगे इसी सीरीज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इरा द बिलो द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट अ सेटबैक. किस काल में जो है हायर एजुकेशन में जो है बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी. इसका आंसर जो है मुगल इरा. आप देखेंगे इसी सीरीज के जो है मुस्लिम पीरियड का जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे आफ्टर द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया दिस वॉज नोन एज पतन का काल या फिर डिक्लाइन कहते हैं. तो ये जो मुगल पीरियड था ये डिक्लाइन का इरा था, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो है हायर एजुकेशन गॉट अ सेटबैक. और भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है मुस्लिम पीरियड वाला वीडियो देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. द रिपोर्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरी द सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट. इसका आंसर जो है वो कोठारी कमीशन है. कोठारी कमीशन की डिटेल में हमने चर्चा की है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के वीडियो लेक्चर में, वहां से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें. कोठारी कमीशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा तो नहीं है. नेक्स्ट कोठारी कमीशन पे एक और क्वेश्चन आया है एक दूसरे शिफ्ट में, जिसमें पूछा है इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमीशन रिपोर्ट डील्स विथ ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. तो सारे जो स्कूल लेवल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गए, सबकी बात की गई. ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की कौन बात करता है? कोठारी कमीशन बात करता है. अब यहाँ पे आपको सार्जेंट कमीशन भी पढ़ना पड़ेगा, हरतोक कमेटी भी पढ़ना पड़ेगा और राधा कृष्णन कमेटी भी पढ़ना पड़ेगा. तो ये सारे जो है हमने लास्ट फ्यू कुछ वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ये सारे आप जा करके वहाँ से इन बाकी कमिटीज की जो है अंडरस्टैंडिंग ले लें. आगे बढ़ते हैं. फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है. अब सीनेट क्या होता है, स्टूडेंट काउंसिल क्या होता है, एकेडमिक काउंसिल क्या करता है, तो इसके लिए जो है हमारा पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाला जो है चैप्टर आप देखें, वहाँ से इन सारे टर्म्स की जो है आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. ये स्लाइड्स मैंने डायरेक्टली वहाँ से ही बोरो की हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ विच डिसिप्लिन हैज हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया. तो ये काफ़ी फैक्चुअल डेटा है, करेंट अवेयर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड डेटा है, तो आप इसको ध्यान में ही रखना पड़ेगा. बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो ही आपको समझेगा, इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है. तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया जो रहता है वो आर्ट्स का. नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम इज टू प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सलेंस. है इसका आंसर. गुरुकुल सिस्टम क्या होता है, परिषद क्या होता है, गोष्ठी क्या होता है, आश्रम क्या होता है, ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा एंशियंट इंडिया वाला जो चैप्टर है उससे भी रिवीजन कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. दिस वाज पार्ट वन. इस वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. दैट्स ऑल. थैंक यू.